लो गाइज, आज की मैच पर आरसीबी ने अपना दिमाग और अपने एक्सपीरियंस के प्लेयर की वजह से लखनऊ टीम की बेस्ट प्लेयर और उनकी कैप्टन केएल राहुल का विकेट मिल गया, जो कि आरसीबी के लिए बहुत बड़ा विकेट था। उसके बाद विराट कोहली का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा देखने लायक था। चलो इस वीडियो में देखते हैं एक्चुअल सीन हुआ क्या था। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दरअसल हर्षल पटेल जब बॉलिंग कर रहे थे, केएल राहुल के पास में लेग साइड पर एक बॉल गया, लेकिन अंपायर ने उस बॉल को वाइड नहीं दिया। पहले तो आरसीबी के प्लेयर इस बात से खुश हुए कि एक्स्ट्रा रन नहीं मिला लखनऊ टीम को। उसके बाद उन लोगों ने सोच कर रिव्यू ले लिया, क्योंकि उन्हें पता था अंपायर ने वाइड नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं बॉल लगा है। फिर डीआरएस जब बड़ी स्क्रीन में देखा गया तो यहाँ पे केएल राहुल का बैट का एज लगा था, जिस वजह से वो आउट होकर पेविलियन चले गए। केएल राहुल आउट होने के बाद विराट कोहली का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था। ये देख कर लग रहा था कि ये रिव्यू लेने के लिए उन्होंने ही बोला है। विराट कोहली का रिएक्शन देख कर पता लग रहा है कि उन्होंने बोला था कैप्टन को रिव्यू लेने के लिए। इससे पता चलता है विराट कोहली का एक्सपीरियंस और उनका आईक्यू कितना ज्यादा है। अगर आप लोग विराट कोहली को आरसीबी का कैप्टनशिप पे मिस कर रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।